हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। फरवरी के थर्ड वीक में 16th ऑफ फरवरी से लेकर 23rd ऑफ फरवरी तक का जो भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहा है, मैं उन सभी कलेक्शन के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि आपके लिए कि क्या क्या कलेक्शन है। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस के क्विजेस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सामने एसबीआई पीओ बहुत सामने है, अगर आप इन क्विजेस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। caseeducational.com पे जाइए, इन सभी क्विजेस को अटेम्प्ट कीजिए। और आज के पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा रिवाइज किया गया है नेशनल मिनिमम वेज। नेशनल मिनिमम वेज को रिवाइज करके पर मंथ क्या कर दिया गया है, इसे 9,750 रुपीस किया गया है पर मंथ। अगर यहां पर आपसे सवाल रहे कि पर डे, तो पर डे ये टोटल है 375 रुपीस पर डे। ठीक है, तो नेशनल मिनिमम वेज को बढ़ाकर 9,750 रुपीस किया गया है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, अभी अभी चला है और इसका आपको रूट बताना है कि इसका रूट क्या है। ठीक है, इसका रूट अगर आप देखें तो दिल्ली टू वाराणसी है। दिल्ली टू वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 भी बोला जाता है। थीम आपको बताना है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जिसे जो अभी न्यू दिल्ली में हुआ था, इसका थीम आपको बताना है। और ये थीम आपका क्या है, अटेनिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन आर प्रोमिसेस, ऑन आर प्रॉमिस। ठीक है, तो ये कब हुआ था, कहां पर हुआ था, ये वेन्यू याद रखिए, न्यू दिल्ली में हुआ था और इसका थीम भी आपको याद रखना है। Who was conferred with Sustainable Development Leadership Award 2019 के Sustainable Development Leadership Award किसे मिला है, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन towards the Sustainable Development in Fiji। फिजी में बहुत बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट करने के लिए किसे मिला है, इस पर्सन का नाम आपका क्या है, फ्रैंक बेनिन मार्मा। ठीक है, फ्रैंक बेनिन मार्मा। कौन सा वह ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेन 2019 के रिपोर्ट को रिलीज किया है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। राइट, जेनेवा स्विट्जरलैंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कितने कितने मिलियन रुपीस का, कितने मिलियन डॉलर का, टू सप्लाई वाटर टू द सिटीजंस ऑफ शिमला, शिमला के सिटीजंस को वाटर पहुंचाने के लिए। जो ये अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट क्या है, US$40 million। अमेजन ने पार्टनरशिप किया है किस बैंक के साथ, अमेजन पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया है, तो किस बैंक के साथ ये पार्टनरशिप हुआ है, ये आपका बैंक कौन है, एक्सिस बैंक। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, पार्टनरशिप किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू इक्विप 1.72 करोड़ पीपल विद डिजिटल स्किल्स। राइट, डिजिटल स्किल्स लगभग 1.7 करोड़ पीपल्स तक पहुंचाने के लिए टीसीएस ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, ये पार्टनरशिप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ हुआ है। राइट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगर आप हेडक्वार्टर देखें तो ये कहां है, स्विट्जरलैंड में है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि रियल टाइम डाटा इंफॉर्मेशन मिल पाए, इस पोर्टल का नाम आपको बताना है, इस पोर्टल का नाम है लेडीज दैट्स लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। नासा के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है टू इन्वेस्टिगेट यूनिवर्स इन द ईयर 2023 में यूनिवर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नासा के द्वारा जो मिशन लॉन्च हुआ है उसका नाम है स्पेरेक्स मिशन। राइट, स्पेरेक्स मिशन। इन विच सिटी डज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डिफेंस कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर का फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री के द्वारा किस सिटी में अभी अभी किया गया है। राइट, ये उत्तर प्रदेश का
झांसी में किया गया है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दो डिफेंस कॉरिडोर बनाने का, एक तमिलनाडु में बनेगा और दूसरा उत्तर प्रदेश में होगा। जो उत्तर प्रदेश में है वो झांसी में होगा। अब ये यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि झांसी में ही पहरी डैम है, इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए प्रधानमंत्री ने अभी अभी वहां पर इस डैम का मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है। अगर ये देखा जाए तो ये डैम कहाँ है, ये डैम आपका दसन रिवर पर है। तो कुछ इंफॉर्मेशन ये बन रहा था, मैंने आपको बताया। इंडिया का पहला कूलिंग सिस्टम जिसे इंडिया में सेटअप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ यूएई, यूएई के द्वारा, राइट, ये इंडिया में कौन सा सिटी में, कौन सा स्टेट में ये होगा, ये अमरावती में, हैदराबाद में होने वाला है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूएई। विच बैंक हैड बिकम द फर्स्ट यूएस बैंक विद क्रिप्टो करेंसी, कौन सा यूएस का पहला बैंक बन गया है क्रिप्टो करेंसी के साथ, ये जेपी मॉर्गन चेस है। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको लेना चाहिए, जो ये जेपी मॉर्गन चेस जो पहला यूएस क्रिप्टो करेंसी बैंक बना है, ये रिटेल कस्टमर के लिए नहीं होगा, ये नॉर्मली इंटरनली यूज किया जाएगा पेमेंट इंस्टेंट ट्रांसफर के लिए, मतलब एक बैंक के ब्रांच टू ब्रांच के लिए मेनली इसका यूज होगा, ये रिटेल कस्टमर के लिए यूज नहीं होगा। आरबीआई ने अभी कितने परसेंट लिमिट को विड्रॉ किया है इन एफपीआई, राइट, इन एफपीआई इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड, ताकि इनकरेज किया जाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा। तो ये जो परसेंट है, ये टोटल 20% है, इसे कहीं ना कहीं इनकरेजमेंट मिलेगा एफपीआई इन्वेस्टर को, ताकि वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर पाए। तो सही आंसर आपका क्या है, 20%। बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। पहला वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी एडलविस साइन किया है एमओयू कौन से बैंक के साथ, ताकि एक दूसरे के प्रोडक्ट को प्लेटफॉर्म पर यूज किया जा सके। ये बैंक आपका कौन है, बैंक ऑफ सिंगापुर। कौन सा सिटी टॉप किया है और जिसने जीता है स्वच्छता एक्सेलेंस अवार्ड 2019, ये सिटी आपका कौन है, ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ का है। अगर यहां देखा जाए तो फर्स्ट प्राइज रायगढ़ को मिला है, सेकंड प्राइज अंबिकापुर को मिला है, और थर्ड प्राइज आपका कुंभकोणम को मिला है, ठीक है। ये 2019 का स्वच्छता एक्सेलेंस अवार्ड है और सही आंसर यहाँ आपका रायगढ़ छत्तीसगढ़ है। आपको उस फीमेल प्लेयर का नाम बताना है जिसने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन में ईयर 2018 के लिए बेस्ट फीमेल प्लेयर का अवार्ड मिला है। इस पर्सन का आपको नाम बताना है, इस फीमेल पर्सन का नाम क्या है, एवा डी गौड़े। अगर देखा जाए तो ये कौन से प्लेस से बिलोंग करती हैं, ये भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इनका प्लेस क्या है, नीदरलैंड है। अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि मेल प्लेयर कौन सा है, तो मेल प्लेयर आपके कौन है, आर्थर वैन डोरेन, और ये बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। किसने जीता है मार्टिन एनल्स अवार्ड 2019, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्राइज इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में दिया गया है। ये पर्सन आपके कौन है, अब्दुल अजीज मोहम्मद। उस म्यूजिक लीजेंडरी का आपको नाम बताना है जिसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न पॉस्थमसली, ठीक है, 2019 के लिए मिला है। ये पर्सन आपके कौन है, भूपेन हजारिका। फर्स्ट इंडियन विमेन फ्लाइट इंजीनियर, पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है, राइट, ये सवाल है यहां पर। तो सही आंसर क्या है, हीना जायसवाल। उस बुक का नाम बताना है जो मिस्टर दिनेश सहारा के द्वारा लॉन्च किया गया है, लिखा गया है और लॉन्च किया गया है गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल केसरी नाथ त्रिपाठी के द्वारा। इस बुक का नाम क्या है, सिंप्लिसिटी एंड विजडम, सिंप्लिसिटी एंड विजडम। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है एक इरिगेशन प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट का आपको नाम बताना है। ये इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम है आरईटी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। उस इंश्योरेंस ग्रुप का आपको नाम बताना है जिसे अभी अभी इरडाई के द्वारा ब्रोकिंग लाइसेंस मिला है।
इस इंश्योरेंस ग्रुप का नाम क्या है? indiamoneyinsurance.com। सीबीडीटी के न्यू चेयरमैन का आपको नाम बताना है। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और ये पर्सन कौन है? प्रमोद चंद्र मूडी। इंफोसिस के द्वारा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? इस एप्लीकेशन का नाम है इन्फी टी क्यू। उस टीम का आपको नाम बताना है जिसने अभी अभी ईरानी कप जीता है, और ये टीम कौन है? विदर्भ टीम है। हु इज द ऑथर ऑफ बैंड पंजाबी पोयम खूनी वैसाखी? खूनी वैसाखी के ऑथर कौन है जिसे लगभग 99 साल के बाद ये जो आपका जलियांवाला बाग हुआ था ये पब्लिश किया गया है इन इंग्लिश, और ये ऑथर का नाम आपका क्या है? नानक सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है साहेबगंज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मधुसूदन घाट झारखंड में। कौन से स्कीम के अंदर ये दोनों का इनॉग्रेशन हुआ है? ये स्कीम आपका क्या है? नमामि गंगे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अभी अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक मेगा एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था राजस्थान पोखरण में। इस एक्सरसाइज का आपको नाम बताना, ये एक्सरसाइज क्या था? ये वायु शक्ति था। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया फोर्थ एग्री लीडरशिप समिट 2019, ये कहां पर हुआ था? ये आपका हरियाणा में हुआ था। इसका थीम भी बिल्कुल याद रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्री बिजनेस, एग्री अलाइड, अ प्रॉमिसिंग सेक्टर एंड एग्री सर्विसेस, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो ये थीम और कहां पर इसे इनॉग्रेट किया गया था? इट इज इन हरियाणा। 3 दिनों तक चलने वाला लंबा 40th इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल, एनुअल जो इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल 40th था, ये राजस्थान के कौन सा सिटी में इसका हो, मतलब कौन सा सिटी इसे होस्ट किया था? ये सिटी कौन है? जैसलमेर। उस दो नए डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम बताना है जिसे तेलंगाना में अभी अभी लाया गया है, और टोटल डिस्ट्रिक्ट टोटल कितना? 33 हो गया। और ये दो डिस्ट्रिक्ट का आपका नाम क्या है? दैट इज मुलुगु एंड नारायणपेट। उस कंट्री का आपको नाम बताना है जहां पर इन्वेस्ट इंडिया ग्रिड लॉन्च किया गया ऑन द साइड लाइंस ऑफ नीति आयोग SCISP वर्कशॉप, ये सऊदी अरेबिया में किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हारमोनी, कल्चरल हारमोनी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड 2014 के लिए किसे मिला है? ये पर्सन आपके कौन है? राजकुमार सिंहजीत सिंह। Who was appointed as the brand ambassador of Puma? Puma के लिए जो brand ambassador नियुक्त किए गए हैं ये कौन है? ये MC Maricom है। अगर देखा जाए तो इंडिया में पहला फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? एंड ये आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट किया गया बाई यूनियन कल्चर मिनिस्टर महेश शर्मा, राइट? तो सही आंसर क्या है? कोलकाता वेस्ट बंगाल। किस देश के साइंटिस्ट ने पहला एंट लाइक वॉकिंग रोबोट का रोबोट डेवलप किया है जिसे यह कैपेसिटी है या पावर है जिस जो कि नेविगेशनल कैपेबिलिटीज को बिना GPS के सहायता से भी कर सकता है, राइट? ये कौन सा कंट्री है और ये कंट्री कौन है? फ्रांस है। उस सिटी का नाम बताना है जिसने 83rd यूनिक सनराइज सीनियर बैडमिंटन नेशनल्स को होस्ट किया था। ये सिटी आपका गुवाहाटी असम में है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि सानिया नेहवाल ने जीता था विमेन सिंगल क्राउन को, और हराया था किसे? पीवी सिंधु को। तो सानिया नेहवाल रिटेन्ड हर विमेन सिंगल क्राउन आफ्टर डिफीटिंग पीवी सिंधु, राइट? तो सही आंसर गुवाहाटी असम है। उस स्टेट गवर्नमेंट का आपको नाम बताना है जिसने अभी अभी एक बिल पास किया जिसमें संस्कृत को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा उस स्टेट में, वह स्टेट कौन है? हिमाचल प्रदेश है।
उस जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है जिसने अभी लॉन्च किया है पहला ट्रिप प्रोटेक्टर पॉलिसी इन इंडिया, राइट। ट्रिप प्रोटेक्टर पॉलिसी जो इंडिया में लॉन्च किया गया जनरल इंश्योरेंस कंपनी, वो कौन है? SDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। उस नए माइक्रो इंश्योरेंस प्लान का नाम बताना है जिसमें लगभग 2 लाख रुपीज का कवर किया जाएगा, इंश्योरेंस कवर होगा और प्रोवाइड किया जा रहा है ये LIC के द्वारा, राइट। तो ये इंश्योरेंस प्लान का नाम माइक्रो बचत है, माइक्रो बचत। RBI ने डिसाइड किया है एज ए इंटरिम डिविडेंड फंड ट्रांसफर किया जाए, जो किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। ये टोटल फंड क्या है? ये फंड टोटल 28,000 करोड़ रुपीस है। उस नए लिमिट को आपको बताना है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा नया नॉर्म में बदलाव किया गया, जिसमें पहले किसी भी स्टार्टअप को एक एंटिटी रिकॉग्नाइज किया जाता था 7 साल में, अब उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, राइट। अब उसे जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा वो 10 ईयर में अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इंडिया में पहली बार फुटबॉल रत्न अवार्ड मिला है और ये किस पर्सन को मिला है? बाई फुटबॉल डेली प्रेसिडेंट शाहजी प्रभाकरण के द्वारा मिला है, राइट। तो फुटबॉल रत्न, पहला बार फुटबॉल रत्न किसे मिला है? दैट पर्सन इज सुनील छेत्री। उस नए ड्रेनेज क्लीनिंग रोबोट का आपको नाम बताना है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में, अभी रिसेंटली यह हुआ है। इस रोबोट का आपका नाम क्या है? दैट इज बैंडीकूट। यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है इंडिया में पहला साइबर फॉरेंसिक लैब और साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस एंड डिटेक्शन लैब। तो ये दोनों जो लैब है ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। उस कंट्री का नाम बताना है जो प्लान कर रहा है कि पहला स्पेस बेस्ड सोलर पावर स्टेशन बिल्ड किया जाएगा स्पेस में, और वो कंट्री कौन सा है? दैट कंट्री इज चाइना। उस पर्सन का नाम बताना है जिसकी अभी अभी देहांत हो गई है और जिसे ग्रैंडफादर ऑफ क्लाइमेट साइंस के नाम से भी जाना जाता था, एंड दैट पर्सन इज वेलेस स्मिथ ब्रोकर। उस स्कीम का आपको नाम बताना है जिससे कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है, मेन उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि प्रोवाइड किया जाए फाइनेंशियल असिस्टेंस और फार्मर को वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव है ये दोनों अप्रूवल पूरा किया जाएगा कौन से स्कीम के अंदर, एंड दैट स्कीम इज किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो डियरनेस अलाउंस जो इंक्रीज किया गया है बाय 3% और जिसे लागू भी कर दिया गया है January 1, 2019 से, तो ये जो नया आपका डीए है वो क्या परसेंट बढ़कर हो गया है? एंड दैट इज 12%। मतलब पहले ये 9% था, बढ़कर ये 12% हो गया है। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को कंटिन्यू रखा गया है, मतलब इसका फेज 2 स्टार्ट किया गया है ताकि 1.95 करोड़ हाउसेस और बिल्ड किया जाए बाय, और ये टारगेट कब तक का रखा गया? बाय 2022, मतलब 2022 तक 1.95 करोड़ हाउसेस और पूर्व बनाया जाएगा अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया है फर्स्ट एवर पहला ऐसा कोई डीजल टू इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड लोकोमोटिव, जिसे ट्विन इंजन के नाम से भी जाना जाएगा, जिसका 10,000 हॉर्स पावर रहेगा, 10,000 HP रहेगा। ये कहां पर फ्लैग ऑफ किया गया है? ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। उस सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है जिसे अनवील किया गया है IIT BHU में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये सुपर कंप्यूटर है परम शिवाय। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन देख लीजिए, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाएगा तो ये परम 8000 है जिसे लॉन्च किया गया था 1991 में, राइट। उस इनिशिएटिव का नाम बताना है जिसे लॉन्च किया गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा या फिर सिविल एविएशन सुरेश प्रभु के द्वारा टू इनकरेज द ई ट्रांजेक्शन को जितना भी लेन देन हो वो इंटरनेट के थ्रू हो और ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, राइट। तो ये जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? स्वायत्त।
स्वायत्त। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, पहले आया था ऑपरेशन बोर्ड लेकिन अब क्या, ब्लैक बोर्ड, लेकिन अब क्या है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, क्योंकि डिजिटलाइजेशन आपका हो रहा है। ये लॉन्च किया गया है एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा टू प्रोवाइड बेटर डिजिटल एजुकेशन, ताकि जो स्कूल के छात्र हैं उसे बेटर डिजिटल एजुकेशन मिल पाए। और ये टीचिंग कब तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये टारगेट कब तक रखा गया है, दैट इज 2022 तक लगभग सभी वो सरकारी स्कूलों में ये सुविधा उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा आप लोगों मतलब बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, एंड दैट इज 2022। थीम आपको बताना है 8th वर्ल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था। तो पहला क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है, कहां पर हुआ था, मुंबई में हुआ था। थीम आपको बताना है, दैट थीम इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। अगर आपसे पूछा जाए कि CEO ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो ये डॉक्टर सुमित्रो चक्रवर्ती हैं, डॉक्टर सुमित्रो चक्रवर्ती। उस सिटी का नाम बताना है जिसने रीजनल कॉन्फ्रेंस दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम को ऑर्गेनाइज किया है, उस सिटी का नाम क्या है, कोलकाता वेस्ट बंगाल। वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम को लॉन्च किया गया है, मतलब वहां पर होस्ट किया गया था। अतकुला पोंकला फेस्टिवल, जिसे ये भी देखा जाता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन ऑफ द वीमेन, अगर देखा जाए तो महिलाओं का यह वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन है, ये किस सिटी में हुआ था, कौन सा सिटी इसे होस्ट किया था, त्रिवनंतपुरम केरला में यह हुआ था। एक स्कीम लॉन्च किया गया है उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि फार्मर्स जो भी हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाए, और इस स्कीम का नाम क्या है ये आपको बताना है। स्कीम का नाम है कालिया छात्रवृत्ति, कालिया छात्रवृत्ति। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नया गाइडलाइन आया है अभी एडाई के द्वारा, अगर देखा जाए तो इसमें मिनिमम लिमिट आपसे पूछा जा रहा है, बेसिक सम इंश्योर्ड फॉर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोडक्ट के लिए मिनिमम जो बेसिक सम होता है वो कितना होगा, ये टोटल होगा आपका 50 लाख रुपीज, लेकिन 50,000 रुपीज। अगर ये चीज मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आपको बताना है 10 लाख रुपीज, मतलब 50,000 रुपीज इज द मिनिमम अमाउंट एंड 10 लाख रुपीज इज द मैक्सिमम अमाउंट। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये ऐप का मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि किस तरीके से इनहेंस किया जाए जस्टिस को, अगर किन्हीं को जस्टिस चाहिए मतलब क्वालिटी लेवल जस्टिस चाहिए या एडवाइस चाहिए किसी भी एडवोकेट से, तो ये मोबाइल ऐप का नाम क्या है, न्याय बंधु, न्याय बंधु के थ्रू ये पॉसिबल होगा। फिर से यहां पर थीम पूछा जा रहा है वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस ऑब्जर्व, जिसे 20 फरवरी को देखा गया था। अगर ये थीम आपसे पूछा जाए तो थीम क्या होगा यहां पर, इफ यू वांट पीस एंड डेवलपमेंट वर्क फॉर सोशल जस्टिस, ये आपका थीम था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि कितने ऐसे आइलैंड का सिलेक्शन किया गया है अंडर द सी प्लान ऑपरेशन, जिसे 5th आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा चूज किया गया है, जिसे न्यू और जो मीटिंग हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ था। टोटल ऐसा 7 आइलैंड चूज किया गया है। अब इसमें इंफॉर्मेशन देख लीजिए क्या है, 7 आइलैंड में से 4 आइलैंड आपका अंडमान और निकोबार से किया गया और 3 आइलैंड लक्षद्वीप से किया गया, बस ये इंफॉर्मेशन याद रखिए। बाकी अंडमान और निकोबार से कौन किया है ये और लक्षद्वीप से कौन किया गया है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए 4 अंडमान से है और 3 लक्षद्वीप से है। तो टोटल 7 ऐसा आइलैंड का सिलेक्शन किया गया है। न्यू इंटरेस्ट रेट आपको बताना है ईपीएफ के ऊपर, जो नया एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के द्वारा ईपीएफओ के ऊपर जो अभी नया इंटरेस्ट रेट लाया गया है ये कितना है, एंड दिस इंटरेस्ट रेट इज 8.65%। कौन अपॉइंट किए गए हैं, पहले ऑम्बड्समैन फॉर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI के पहले ऑम्बड्समैन किसे नियुक्त किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये कौन है, DK जैन। अब देखिए इस ऑम्बड्समैन का क्या
फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि जितना भी प्लेयर का इशू होगा या फिर फाइनेंशियल इशू होगा, इन सभी को रिजॉल्व किया जाएगा इसके अंदर। तो जो नए हैं, जो नए जिसे नया नियुक्त किया गया है, वो कौन है? डीके जैन। देखिए, एक सवाल है कि केरला के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इंडिया में पहला ऐसा ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट इनॉग्रेट किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है केपी बॉट। अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन ये है कि इस रोबोट का जो जेंडर रखा गया है वो फीमेल जेंडर रखा गया है, ताकि वीमेन एम्पावरमेंट किया जाए, राइट? तो जेंडर इसका क्या रहेगा? फीमेल रहेगा। और इंडिया का पहला ऐसा पुलिस रोबोट है, इसका नाम केपी बॉट है। आपको वर्ल्ड का पहला फीमेल आर्टिफिशियल न्यूज एंकर का नाम बताना है, जो चाइनीज न्यूज एजेंसी के द्वारा अनवील्ड किया गया है। इसका नाम क्या है? जिन जियो मैंग। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज, जिसे ऑब्जर्व किया गया था फरवरी 21, 2019 में, अगर इससे थीम आपको पूछा जा रहा है तो इसका थीम क्या था? इंडिजीनियस लैंग्वेजेस मैटर फॉर डेवलपमेंट, पीस बिल्डिंग एंड रिकंसिलेशन, ये आपका इसका थीम था। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि 72nd कंट्री वह कौन सा है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया के साथ अभी एग्रीमेंट साइन किया है, और वो कंट्री कौन है? अर्जेंटीना है, राइट? अर्जेंटीना 72nd कंट्री बन गया है। सुरेश प्रभु के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है ऑन लॉजिस्टिक पॉलिसी, राइट? तो लॉजिस्टिक पॉलिसी पर जो सुरेश प्रभु के द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? सफर। अभी अभी स्पेनिश गवर्नमेंट ने एक प्रेस्टीजियस ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ सिविल मैरिट ये दिया है किसी पॉलिटिशियन को, राइट? और ये इंडियन पॉलिटिशियन है, इसका आपको नाम बताना है। एंड दिस नेम इज सुषमा स्वराज। तो ये सुषमा स्वराज को मिला है स्पेनिश गवर्नमेंट के द्वारा। एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि पहली ऐसी भारतीय महिला जिसे ग्लोबल फ्यूचर ऑफ नेचर अवार्ड मिला है, उसके मरीन कंजर्वेशन वर्क के लिए, राइट? जो समुद्र का रक्षा करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं समुद्री तल में जितने भी मछलियां हैं उनके रक्षा के लिए जो ग्लोबल फ्यूचर ऑफ नेचर अवार्ड मिला है, पहली ऐसी भारतीय महिला कौन है? दिस पर्सन इज दिया करनाद को यह अवार्ड मिला है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने फरवरी के थर्ड वीक के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखा है, और मे बी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल केएस एजुकेशनल पे जाइए, बैंकिंग अवेयरनेस अटेम्प्ट कीजिए, और जनरल अवेयरनेस जो डेली करंट अफेयर्स हिंदी में है वो भी आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा। और वेबसाइट पे जाइए, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस क्विजेस, पजल्स, DI, बहुत ऐसा कुछ है जो आपके बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्प कर देगा। आप केएस एजुकेशनल आपको फेसबुक पे, टेलीग्राम पे या फिर ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए सेशन काफी बेनिफिशियल रहा होगा। अगर हां तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, अगर आप नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, और हम सब फोर्थ वीक के साथ मिलेंगे। और फाइनली मैं आप लोगों को फरवरी के पूरे इंटायर मंथ का एक कंप्लीट वीडियो दे दूंगा, जिसमें आप लोगों को 200 MCQ प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट कलेक्शन रहेगा, राइट? तो बिल्कुल आप उन कलेक्शन के लिए, और या फिर आप बोल सकते हैं कि आपको जितना भी कलेक्शन अभी दिया जा रहा है उन सभी कलेक्शन को बिल्कुल कंटेस्ट कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्प देगा। और जो कंप्लीट वीडियो मिलेगा वो आपके रिवीजन के लिए बस